हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे और सेल डिवीजन में भी स्पेशली माइटोसिस के बारे में। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस क्या है, किस प्रकार से होता है और इसकी कौन कौन सी अवस्था है और माइटोसिस क्यों होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन व्हाट इज इट, क्या है सेल डिवीजन, क्या है और क्यों होता है, सेल डिवाइड क्यों होती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब इस इन स्लाइड में देखने को हमें मिलेगा। सेल डिवीजन जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः समसूत्री विभाजन की ही बात करते हैं। ये हम जब समसूत्री विभाजन करते हैं सेल डिवीजन, ठीक है, और सूत्री विभाजन की बात बाद में होती है, लेकिन समसूत्री विभाजन प्रत्येक कोशिका डिवाइड होती है वो समसूत्री विभाजन, उसको डिवीजन कहते हैं। और ये रेगुलर जो सेल्स हैं बॉडी की वो करती हैं और इसी कारण ये कोशिका की वृद्धि होती है, एनिमल्स की वृद्धि होती है, ग्रो करता है। ये कुछ फेजेस हैं माइटोसिस की, ठीक है, जिसे इंटरफेज है, लेट प्रोफेज में ये कंडीशन है, प्रोमेटाफेज में इस तरह की कंडीशन है, मेटाफेज में ये कंडीशन, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज और लेट टीलोफेज, ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इन स्टेज के बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। माइटोसिस जो है, माइटोसिस की जब हम बात करते हैं या समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो चार फेज की प्रमुखतः बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरफेज के बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिका की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो यहां से प्रारंभ होगा, इंटरफेज से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर एक प्रोसेस और आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये पूरा प्रोसेस मिलके ही हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। पहली स्टेज देख लेते हैं, इंटरफेज, द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द सेल, सबसे लंबी स्टेज है, और द टाइम स्पेंड बिटवीन डिवीजन, दो डिवीजन के मध्य की जो अवस्था होती है वो इंटरफेज कहलाती है। और इसी इंटरफेज अवस्था में जितनी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसकी ग्रोथ होती है और इसी अवस्था में ये डिवीजन के लिए तैयार होती है। प्रारंभ में इसको इंटरफेज को विश्रांति या रेस्ट फेज कहते थे, लेकिन रेस्ट फेज नहीं है, इसमें बहुत सक्रिय गतिविधि होती है और सिंथेसिस भी होता है। पार्ट ऑफ इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज द जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये जीवन फेज आता है, ये जीवन फेज साइकिल बिगिंस यहाँ से हुई, तो यहाँ से जीवन से लेकर यहाँ तक ये ग्रोथ फेज, जीवन ग्रोथ फेज, जीवन सेल कहलाती है, ग्रोथ फेज कहलाती है। इसके बाद आता है कि सिंथेटिक फेज, द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरफेज इज नोन एज द एस फेज सिंथेटिक। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, सिंथेसिस फेज है व्हेन डीएनए डुप्लीकेट्स होता है। इसके बाद थर्ड आती है G2 स्टेज, जैसे चेक पॉइंट, ये बात के लिए चेक पॉइंट होता है कि डीएनए का संश्लेषण हुआ और सही हुआ, करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तब ये कोशिका आगे जाएगी, ये सेकंड चेक पॉइंट है। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप आता है सेल डिवीजन, माइटोसिस। इस माइटोसिस अवस्था में ये कोशिका डिवाइड होती है और ये डिवाइड होके वापस चक्र में आती है। माइटोसिस सेल डिवीजन, द लास्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड माइटोसिस एंड हैज फोर फेजेस ड्यूरिंग विच द सेल डिवाइड इंटू टू सेल्स। चार अवस्थाओं के द्वारा माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण एक कोशिका जो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ये सेल साइकिल के बारे में एक अन्य वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, G1 और S, G2 और इन दोनों चेक पॉइंट के बारे में। यह हम हमारा ध्यान मुख्यतः माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं पर है। पहली अवस्था है प्रोफेज, ये ओरिजिनल डायग्राम्स हैं जो इस स्लाइड में दिखाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा इन अवस्थाओं को आपको क्लियर किया जा रहा है। द सेल बिगिन द डिवीजन प्रोसेस, द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, जिसमें सबसे पहले काम होता है कि न्यूक्लियस जो है, केंद्रिका जो है, वो डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक अपार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है और न्यूक्लियस केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। थर्ड पॉइंट है द क्रोमोसोम बिकम विजिबल, अब क्रोमोसोम थोड़े से विजिबल होने लग जाते हैं
और स्पिंडल एपरेटस जो है, तर्क तंतु जो है वो बनने लग जाते हैं और वो अटैच टू दी सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम से अटैच जाते हैं। ये तीन चार पॉइंट प्रमुखतः प्रोफेज अवस्था में देखने को मिलते हैं। सेकेंड फेज आती है मेटाफेज। इस मेटाफेज अवस्था में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और डुप्लीकेट जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में आके लग जाते हैं, जिसको कहते हैं ये इक्वेटर पर आके लग जाते हैं, मेटाप्लेट कहते हैं। इस मेटाप्लेट का निर्माण होना ही मेटाफेज अवस्था है, जो बड़ी आसानी देखने को मिलती है। दैट इज अ मेटाफेज, ये मध्य में आ जाना और ये स्पिंडल एपरेटस है, यहाँ स्पिंडल है, ये तर्क तंतु से लगे, दूसरा स्पिंडल ये लगेंगे। इस प्रकार से ये मेटाफेज में ये डिवाइड हो रही है, प्रोफेज अवस्था में, ये मेटाफेज अवस्था में सेल ग्रो कर गई है। एनाफेज, द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज। तो जो डिप्लोइड सेट है डॉटर क्रोमोसोम्स का वो सेपरेट होगा, अब यहाँ ये सेपरेट होगा और अब ये धीरे धीरे ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं वो इसको पोस्ट करेंगे उधर और ये इधर इसको पोस्ट करेंगे, जिससे ये दोनों दोनों क्रोमेटिड से टूट के ये चार क्रोमेटिड में से दो क्रोमेटिड इस साइड में और दो क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करते हैं। अर्ली में ये अर्ली एनाफेज अवस्था है जहां ये इक्वेटर से दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग पोल की ओर जाना प्रारंभ कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर के द्वारा बंधे हुए जा रहे हैं, ये खिंच रहे हैं और पोल पे इकट्ठे होंगे, ये अर्ली एनाफेज अवस्था है। टेलोफेज, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर, अब यहां जैसे ही ये न्यूक्लियस ये सॉरी क्रोमोसोम्स दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचने के तुरंत बाद ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है और न्यूक्लियोलाई आ जाती है, डिफॉर्म हो जाता है और उसके बाद बनने के साथ ही यहाँ कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस चालू होता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सेल प्लेट, जैसे प्लांट्स वगैरह में सेल प्लेट बनती है, इन दोनों पोल के मध्य में एक सेल प्लेट बन जाती है और द सेल प्रिपेयर फॉर फाइनल डिवीजन, अब फाइनल डिवीजन तैयार है। वो नेक्स्ट प्रोसेस आता है साइटोकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस है कि जिसमें साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स हैं एंड न्यूक्लियर मेटेरियल आर इवनली स्प्लिट एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। अब जितना भी इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह है, न्यूक्लियर मेटेरियल या ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो बराबर बराबर हकों में पड़ जाते हैं और इस मध्य में से ये सेल प्लेट या किसी भी प्रकार से साइटोकाइनेसिस है, ये कोशिका दो में डिवाइड हो जाती है, ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और इस प्रकार से दो अलग सेल्स बनती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक प्रकार की और उनको कहते हैं पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल्स। इनको अगर हम चारों अवस्थाओं को क्विक रिव्यू करें, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ से जो स्लाइड दिख रहे हैं इनका अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ये हम डायग्राम बनाएंगे, जिसमें जैसे ये इंटरफेज है उसका ये डायग्राम बन जाएगा कि इंटरफेज इसमें सेल स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ द लाइफ हेयर ग्रोविंग एंड फंक्शनिंग, ग्रोविंग करेगी फंक्शनिंग ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, द डीएनए रिप्लीकेट करेगा इन एंटिसिपेशन ऑफ माइटोसिस, ये क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इंटरफेज अवस्था में प्लाज्मा ये सेंट्रल टू पेयर्स बनेंगे। और अर्ली प्रोफेज में ये सेंट्रल्स दोनों तरफ दोनों ध्रुव की ओर जाने लग जाएंगे और क्रोमेटिन जो जो सिस्टर क्रोमेटिन बनेंगे और स्पिंडल फाइबर्स का ये निर्माण होने लग जाएगा, ये अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स अब इन तंतु से लगने लगेंगे, ये क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाएंगे और न्यूक्लियोलस और केंद्रक झिल्ली पहले ही लुप्त हो चुकी है। ड्यूरिंग मेटाफेज ये जितने भी इक्वेटर पर मेटाप्लेट बना लेंगे, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए जो क्रोमेटिड्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर इकट्ठे हो जाएंगे, मेटाप्लेट बनाएंगे, दैट इज अ मेटाफेज अवस्था। इन एनाफेज द क्रोमेटिड डेथ मैच, अब ये स्पिंडल फाइबर से बंधे हुए क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चलेंगे और दूसरे क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, डॉटर क्रोमोसोम्स दोनों अलग अलग जाएंगे, ये क्रोमेटिड्स करेंगे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, ये पार्ट। और टेलोफेज मैं अब ये जैसी पोल में पहुंच जाएंगे इनके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और न्यूक्लियोलस आ जाएगी और फिर अब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगी, क्लीवेज फ्लोरोसिस बनेगी।
और साइटोकाइनेसिस जब होगा तो इस साइटोकाइनेसिस में ये दोनों पोल पे जो क्रोमोसोम्स हो गए, स्पिंडल फाइबर्स आ गए, तो ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएंगे जिनको हम पुत्री कोशिका कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये इन प्रोसेस में प्रोफेज से लेकर इंटरफेज और चार अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेल का डिवीजन हो जाता है दो कोशिका, ये पूरी प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस, जिसका अध्ययन हम प्रीवियस क्लासेस में भी करके आएंगे। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि ये सेल क्यों डिवाइड होती है। जब ये सेल्स अपने एक लार्जर स्टेज तक पहुंच जाती है तब इनका वॉल्यूम और रेशो है वो गड़बड़ा जाता है, और तब इट आल्सो हैज मोर ट्रबल मूविंग एन ऑफ फूड एंड वेस्ट अक्रॉस इट्स सेल में। तब ये द लार्जर सेल बिकम्स द मोर डिमांड्स द सेल प्लेस ऑन इट्स डीएनए। तब ये कोशिका कोशिश करती है डिवाइड होने की, ये फूड ग्रेन्यूल्स वगैरह का है कि ये किस तरह से आएंगे, वेस्ट गोज आउट होंगे और जो फूड जो है गोज इन, ये फूड आने की कोशिश, उसके जाने की कोशिश। तो इन दोनों के प्रोसेस में क्या है कि दिस हैपन्स बिकॉज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो डज नॉट स्टे द सेम एज द सेल साइज इंक्रीजेस। जब भी सेल साइज सेल की ग्रोथ होती है तो ये रेशो गड़बड़ जाता है और इसकी पूर्ति करने के लिए कोशिका को डिवाइड होना पड़ता है। अब ये क्या, सरफेस एरिया, द सेल एबिलिटी टू आइदर गेट सब्सटेंसेस फ्रॉम दिस आउटसाइड और एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द इनसाइड इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया। कि वो कितनी एबिलिटी है कि वो गेट प्राप्त करती है सब्सटेंसेस को बाहर से और वेस्ट प्रोडक्ट को कितना निकालती है, ये उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कितना सरफेस एरिया है उसका सेल मेम्ब्रेन। और वॉल्यूम में आता है हाउ मच फूड एंड अदर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कितनी भोजन की आवश्यकता है, एंड हाउ मच वेस्ट द सेल प्रोड्यूसेस। तो ये जो रिलेटेड है द वॉल्यूम ऑफ द सेल इनसाइड, उसका वॉल्यूम कितना है, तो ये रेशो गड़बड़ जाता है। इस कारण एज ए सेल गेट्स बिगर देयर कम्स ए टाइम व्हेन इट्स सरफेस एरिया इज नॉट लार्ज एनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेल। धीरे धीरे ये कोशिका जब ग्रो कर जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसका सरफेस एरिया इतना सफिशियंट नहीं हो सकता है कि वो कोशिका की डिमांड को पूरा कर सके, उसके वॉल्यूम को। इस कारण वो कोशिका फिर डिवाइड होती है। सो वन सेल्स रीच ए सर्टेन साइज दे मस्ट डिवाइड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू फंक्शन और दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स। एक बार इसके कारण एक सर्टेन साइज में होने के बाद फिर उस पर प्रेशर बनता है, वो कोशिका डिवाइड होती है और कंटिन्यू टू फंक्शन करती है, और जिससे कि आगे वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को ले सके और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर सके। इस कारण ये सेल डिवीजन होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कि जितनी भी लिविंग बींग है वो सब की सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है द बेसिक यूनिट जो है स्ट्रक्चर फंक्शन की लिविंग की वो कोशिका ही है, इसलिए कोशिका डिवाइड होगी और बहुत सारी कोशिका बनेगी। और ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये सेल थ्योरी है कि कोई भी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, इसलिए कोशिका डिवाइड होगी और नई कोशिका बनेगी। यू आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स, हम सब जीवित प्राणी हैं और किससे बने हुए, कोशिकाओं से बने हुए, और इनको सेल्स को जीवित रखना है इसलिए ये कोशिका डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है और आगे प्रोसेस होता है। ओके, इस प्रकार से दो तीन चीजें यहां आपको क्लियर हुई हैं कि किस प्रकार से कोशिका क्यों डिवाइड होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है कोशिका का, और अगर डिवाइड होती है तो समसूत्र विभाजन जो हो रहा है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं और किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, समसूत्र विभाजन के अंतर्गत कोशिका जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं उन सभी में समसूत्र विभाजन होगा और वो कोशिका दो में डिवाइड होंगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं समसूत्र विभाजन। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।